तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेंस वर्सेस स्पार्स एरे, मतलब डेंस और स्पार्स एरे होता क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब डेंस एरे हम जावास्क्रिप्ट में किसे कहते हैं और स्पार्स एरे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे सपोर्ट मैं बनाता हूँ लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 और 5। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। यहाँ पे जो एरे स्टार्ट हो रहा है वो जीरो इंडेक्स से हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू है, और उसके बाद 1 पे भी वैल्यू है, 2 पे भी वैल्यू है, 3 पे भी वैल्यू है और 4 पे भी वैल्यू है। तो यहाँ पे लेंथ -1 पे भी यहाँ पे वैल्यू है। तो इसे हम कहते हैं डेंस एरे, मतलब जो भी एरे पूरा मतलब फील होगा, मतलब पूरा इम्प्टी नहीं होगा, मतलब 20 से ऐसे इम्प्टी नहीं होगा, कोई वैल्यू गायब नहीं होगा, तो वो होता है डेंस एरे। और स्पार्स एरे किसे कहते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ डिलीट कीवर्ड की मदद से, यहाँ पे डिलीट मैं लिखता हूँ और ए ऑफ यहाँ पे 1 ले देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं लॉक करूँ इसे और यहाँ पे ए को लॉक करूँ, तो कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ आप लोग देख सकते हो 1 1 के बाद 1 एम्प्टी आइटम 3 4 5। तो ए जो एरे हमारे पास आया है ए है स्पार्स एरे। स्पार्स एरे का मतलब होता है आपका कोई बीच का एलिमेंट या आपका पहला एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट आपका गायब हो या मिसिंग हो, तो वहाँ पे आप इस एरे को स्पार्स एरे कह सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मिसिंग हो सकता है, जैसे फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट अभी मिसिंग हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, या बीच में कोई भी वैल्यू मिसिंग हो सकता है, तो उसे हम स्पार्स एरे कहते हैं। और जो भी एरे पूरा फिल होगा फर्स्ट से लास्ट तक, तो उसे हम डेंस एरे कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।